अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। सर्दियां कैसी गुजर रही हैं सबकी? हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आए हैं, लेकिन रेसिपी देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं चीज़ ग्रिल सैंडविचेस। चलते हैं रेसिपी। सॉस बनाने के लिए हम लोगों ने इसमें आधा कप मायनीज लेना है, आधा कप हमने नीम गरम दूध लेना है, आधा कप ही हमने चेडर चीज़ लेना है। और इसके साथ हम लोग डालेंगे आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून मैंने सुर्ख मिर्च पाउडर लिया है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आधा टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर, और इसी तरह एक जवा मैंने लिया था लहसुन का, उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। एक चम्मच इसमें स्वीट चिली सॉस का जाएगा, एक चम्मच मस्टर्ड पेस्ट का जाएगा 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे सिरका। जग में हम लोग जो है जूसर का जो जग है उसमें सबसे पहले मायनीज डाल रहे हैं, में चेडर चीज़, अब हम इसमें चेडर चीज़ डाल रहे हैं। इसे बाकी के मसाले भी डाल देंगे। वन टीस्पून सिरका डालेंगे हम इसमें। हम इसमें स्वीट चिली सॉस डालेंगे। इसमें डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट हीप करके। हम इसमें आखिर में दूध शामिल करेंगे। सॉस जो है वो रेडी हो चुकी है, अब हम इसको निकाल रहे हैं बोल में। कंसिस्टेंसी चेक कर लें आप, ये देखें इस तरह से, ये थिक भी है लेकिन रनी फॉर्म में भी है। यहाँ हम लोगों ने 500 ग्राम के करीब जो है वो चिकन ली है, और उसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में इसकी कटिंग कर ली है। साथ से हम लोग थोड़ा सा हमने नमक लिया, एक टीस्पून ही हमने लाल पिसी हुई मिर्च ली है, एक टीस्पून हम लोगों ने काली मिर्च पाउडर लिया है, और एक टीस्पून ही हम लोगों ने चाट मसाला लिया है। देखिए में हम लोगों ने 2 चम्मच ऑयल के डाल ली है, अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन डालने के बाद हम लोगों ने साथ से ये मसाले भी शामिल कर लिए, और अब हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। थोड़ी देर बाद ही चिकन ने जो है वो पानी छोड़ दिया था, हमने इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख लिया। ढकने के बाद ये देखें हमारी चिकन जो है वो पक चुकी थी। हाँ, हमारी जो चिकन है वो रेडी हो चुकी है, तो हम इसको प्लेट में निकाल रहे हैं और इसको ठंडा होने देंगे। अब हम सैंडविचेस की असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने ब्रेड ले ली थी और उसके हमने किनारे काट लिए हैं। चिकन हमारी रेडी हो चुकी है, थोड़ी सी चेडर चीज़ ली है, उसको हमने इस तरह श्रेड कर लिया है, और ये हमारी सॉस है जो हमने बनाई थी। अच्छा, अब हमने सबसे पहले ब्रेड ले लेनी है, उसके ऊपर हम लोग सॉस डालेंगे। अच्छा, इन सैंडविचेस का जो मेन इन्ग्रीडियंट है वो यही चीज़ सॉस है, इसी से इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा चीज़ी फ्लेवर आएगा इन सैंडविचेस में। और ये देखिए मैं बिल्कुल इसको इवनली स्प्रेड कर रही हूँ टोस्ट के ऊपर। उसके बाद हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन को भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से जो है वो स्प्रेड कर लेना है टोस्ट के ऊपर। और चिकन की हमने बिल्कुल ही सिंपल जो है इसमें हमने सीजनिंग की है, जैसे बहुत ही कम मसाले डाले मैंने इसके ऊपर। थोड़ी सी श्रेडेड चीज़ डालेंगे। चीज़ डालने से इन सैंडविचेस में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, इनफैक्ट डबल हो जाएगा इसका टेस्ट। थोड़ी सी सॉस हम दोबारा से ऊपर से डालेंगे 1 चम्मच जितने। अब सॉस की दोबारा से हम एक और लेयर लगाएंगे, और इससे कि बहुत सॉगी और सॉफ्ट मज़े के बनेंगे। और इस पर दूसरा टोस्ट हम लोगों ने इस तरह से रख लेना है और जेंटली इसको प्रेस कर लेना है। ठीक है, इस तरह एक सैंडविच हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैं जो हूँ दूसरा सैंडविच भी रेडी कर रही हूँ। ये देखिए उसी तरीके से आपने पहले चीज़ सॉस की लेयर लगानी है, फिर चिकन रखना है, और साथ से चीज़। अगर आप इसमें वेजिटेबल्स पसंद करते हो तो शिमला मिर्च वगैरह भी रख सकते हैं। हाँ, मैंने अपना ग्रिल मशीन जो है वो रख ली है, ग्रिल सैंडविच मेकर, और अब जो है मैं इसके गर्म होने का वेट करूँगी, फिर हम इसमें अपने सैंडविचेस जो हैं वो ग्रिल करेंगे।
यहाँ ग्रिल सैंडविच मेकर जो है वो गर्म हो चुका है। अब जो है ग्रीन लाइट जो है वो ऑफ हो चुकी है, तो मैं इसमें सैंडविचेस रखूँगी। अब यहाँ पर एक एक करके मैंने दोनों सैंडविचेस जो हैं वो रख ली हैं। आप लोग चाहें तो हल्का सा बटर भी अपने सैंडविचेस पे लगा सकते हैं, इससे बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा ग्रिल होने के बाद, लेकिन मैं इनको इसी तरह सिंपल रख रही हूं। हमारे सैंडविचेस रेडी हो चुके हैं क्योंकि ग्रीन लाइट जो है वो ऑफ हो गई है सैंडविच मेकर की। ये देखें बहुत ही खूबसूरत ये सैंडविच बने थे, बहुत अच्छे तरीके से ग्रिल हो चुके थे। अब ये देखें यहाँ पे मैं ये निकाल रही हूँ और ये चीज़ देखें कि कितनी अच्छी सी ये सिमर कर रही है। और दोनों सैंडविचेस मैंने निकाल लेने और मैंने डिश आउट कर लिए इस प्लेट में। अब यहाँ पर मैं आपको एक सैंडविच जो है वो कट करके दिखा रही हूँ कि आप लोग भी देख सकें। मैंने तो काफ़ी गर्म गर्म सैंडविचेस को ही कट कर लिया था, आप लोग चाहें तो ठंडा करने के बाद भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह दोनों साइड्स पे आपने इसको बैलेंस कर लेना है, प्रेस कर लेना है बहुत जेंटली, और फिर बीच में दरमियान से आपने सैंडविच को कट करना है। और ये देखें यहाँ पर ये कट होके बहुत ही इसका चीज़ पुल भी आ रहा था, बल्कि ये देखें बहुत ही मज़े की चीज़ी ग्रिल सैंडविचेस बने थे ये। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारी रेसिपी को और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।